Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. In this video, I am going to discuss about the pharmacology of alpha blockers. तो हम बात करेंगे आज pharmacology of alpha blockers के बारे में. तो basically हम बात करेंगे उसके side effects के बारे में, उसके pharmacological action के बारे में, बात करेंगे उसके basic clinical use के बारे में, जो भी alpha receptor blockers हैं, और हम बात करेंगे उसके बेसिक जो ड्रग हैं अल्फा ब्लॉकर के, या बात करें फोन की या फटू के, तो आपका जो फिनॉक्सिबेंजिन है या प्राजोसिन है या फिर फेंटलामिन है, या बात करें एगोटामिन की या एगोट एक्लॉइड की, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि उनके बेसिक एक्शन क्या है, बेसिक उसके यूज़ क्या है या बेसिक डिफरेंस क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द डिफरेंट ड्रग्स ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स. तो अल्फा ब्लॉकर की बात करें तो उसमें बेसिकली दो टाइप के हैं, एक होता है नॉन सेलेक्टिव, एक होता है सेलेक्टिव. बात करें हम नॉन सेलेक्टिव की, तो ऐसे ड्रग जो अल्फा वन और अल्फा टू रिसेप्टर्स को दोनों को ब्लॉक करता है, वैसे ड्रग को हम नॉन सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स बोल सकते हैं. सो दोज ड्रग विच ब्लॉक द बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स लाइक अल्फा वन एंड अल्फा टू रिसेप्टर्स, दे आर कॉल्ड एज ए नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स. बट दोज ड्रग आर स्पेसिफिकली ब्लॉक द अल्फा वन और अल्फा टू, दे कॉल्ड सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स. तो उसमें दो टाइप के हैं, अल्फा वन ब्लॉकर और हैं आपका अल्फा टू ब्लॉकर्स. तो बात करें हम अल्फा ब्लॉकर्स की, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स की, उसमें तीन ड्रग, चार ड्रग मेन हैं. एक है आपका फेंटलामिन, एक है आपका फिनॉक्सिबेंजिन और एक है आपका इरकोट एल्कलॉइड, खासकर डाइहाइड्रेटेड डेरिवेटिव ऑफ इरकोट एल्कलॉइड. तो उसमें जो बेसिक थिंग्स हैं इरकोट एल्कलॉइड की, वो भी हम बात करेंगे कि इगोटामिन या इगोटॉक्सिन है किसमें से हाई एक्टिविटी है, या बात करें उसके जो और फीचर्स की वो भी देखेंगे. और हम बात करें अल्फा वन ब्लॉकर की, तो जितने भी जोसिन्स हैं, चाहे आपका प्राजोसिन्स हो, ट्राजोसिन्स हो, या एल्फोजोसिन्स हो, या सिल्लोसिन या टेमोसिलोसिन, आर द अल्फा वन ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर. बात करें हम अल्फा टू ब्लॉकर की, तो योम्बिन इज द क्लासिकल ड्रग ऑफ अल्फा टू ब्लॉकर्स. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स. नाउ कम टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स. सो बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट. फर्स्ट इज द अल्फा वन ब्लॉकिंग एक्शन एंड सेकंड इज द अल्फा टू ब्लॉकिंग एक्शन. तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में हम समझेंगे. एक है आपका अल्फा वन ब्लॉकिंग के थ्रू और सेकंड आपका अल्फा टू ब्लॉकिंग के थ्रू किस तरीके से आपका एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है आपका अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स. तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द अल्फा वन ब्लॉकिंग एक्शन बिफोर गोइंग टू द अल्फा टू ब्लॉकिंग एक्शन. सो फर्स्ट इज द सीवीएस. तो सीवीएस के अंदर में आपका जो बेसिक रोल है आपके अल्फा ब्लॉकर का, वो होता है आपका एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के रूप में हम ले सकते हैं. क्योंकि जो अल्फा रिसेप्टर्स है वो कहीं ना कहीं आपका ब्लड वेसल्स में होता है और उसके एक्टिवेट होने से जो है वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो उसको अगेंस्ट में हम अल्फा वन ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसको ब्लॉक करके हम जो वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट है वो ना आ पाए और ब्लड वेसल्स जो है रिलैक्स हो सकें और बीपी को कम कर सकें. तो पहले हम समझते हैं कि बीपी है क्या या ब्लड प्रेशर है क्या. तो ब्लड प्रेशर बेसिकली इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर. टीपीआर मींस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट द वेस्कुलर रेजिस्टेंस. तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन. अगर टीपीआर कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ है, रिलैक्स स्टेट में है. अगर टीपीआर अधिक है मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है. सो नाउ कम टू द कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. तो आपका कहीं ना कहीं जो आपका बीपी है वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस से या फिर आपका कार्डियक आउटपुट से डायरेक्ट रिलेटेड है और हार्ट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है. तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर में क्या होता है, बीपी अगर मार्कुलर बढ़ जाता है, अचानक से बीपी अगर भागते हैं, दौड़ते हैं, हाइपर एक्टिविटी कंडीशन में जो बीपी है अपने आप बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए जो बॉडी है वो बेरोसिप्टर एक्टिवेट होते हैं. उससे जो आपका एस्ट्रालकोलिन रिलीज होगा, उससे आपका हार्ट रेट कम होगा, क्योंकि एस्ट्रालकोलिन मेनली वर्क ऑन द M2 रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट एंड मे कॉज द ब्रेडी कार्डिया इफेक्ट. तो उस जैसे जो है आपका हार्ट रेट कम होगा, उससे कार्डियक आउटपुट कम होगा और अल्टीमेटली जो आपका बीपी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. अगर बीपी बढ़ता है तब, अगर बीपी नॉर्मल केस में अगर बीपी कम हो गया आपकी बॉडी के अंदर में, तो सेम एक्शन के थ्रू आपका जो स्मृत सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, उससे एंडल रिलीज होगा, उससे बीटाउन के थ्रू आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, उससे फिर दोबारा बीपी आपका बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर में अगर आप पेशेंट नहीं हैं, तो उस कंडीशन में बीपी जो है कंपनसेटरी मेडिसिन के थ्रू, रिफ्लक्स एक्शन के थ्रू आपका बीपी नॉर्मल मेंटेन होते रहता है. लेकिन बात करें हम डिसीज कंडीशन की, मतलब हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव कंडीशन की, तो उस समय क्या होता है हम समझते हैं पहले डिटेल से. सो बेसिकली हाइपरटेंशन इज ऑक्योर्स ड्यू टू टू मेन रीजन. फर्स्ट इज द डिस्टर्बेंस इन द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डिस्टर्बेंस इज द हार्ट रेट. तो कहीं ना कहीं हार्ट रेट या
टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की जो नॉर्मल वर्कआउट है उसको डिस्टर्ब होने से ही आपको हाइपरटेंशन होगा। अगर आपकी बॉडी आपके हार्ट जो है हार्ट रेट हार्ट का जो सेल्स हैं मायोकार्डियम सेल्स हैं वो अगर डैमेज होने लगेंगे अगर आपको बॉडी के अंदर में कंटिन्यूस टैकीकार्डिया इफेक्ट शो होगा तो हार्ट रेट अगर हाईली इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में आपका बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। या बात करें जो मेजर काज है वो है आपका इंक्रीज इन टोटल फाइबर्स रेजिस्टेंस। तो आपका जो ब्लड सेल्स है उसमें बेसिकली फाइबर होते हैं उसको बोलते हैं हम इलास्टिक फाइबर्स। तो वो क्या करता है जो नॉर्मल कंडीशन पे जो ब्लड फ्लो होता है ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है। मतलब अगर फ्लो अधिक हुआ तो रिलैक्स हो जाता है, फ्लो कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन हम बात करें हाइपरटेंशन कंडीशन पे या बात करें हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज की कंडीशन पे जो आपका वेस्कुलर रेजिस्टेंस है या इलास्टिसिटी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है। उससे जो आपका ब्लड फ्लो के अगेंस्ट में आपका रिलैक्स नहीं हो पाता वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाता है। इसलिए आपका जो प्रेशर फील है वो अधिक होता है आर्टरी वाल पे, इसलिए जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑन द आर्टरी वाल ड्यू टू द ब्लड। तो इसलिए इस केस में टोटल फाइबर हम दो तरीके से बीपी को कम कर सकते हैं, एक है आपका हार्ट रेट, एक है आपका टोटल प्रेशर। लेकिन हम हार्ट को छेड़ नहीं सकते। अगर हार्ट रेट को कम कर दें तो आपके हार्ट का पे हम इफेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं डेंजर है। इसलिए हम बेसिकली हम यूज़ करते हैं TPR के ड्रग। तो TPR को जो ठीक कर सके मतलब डिक्रीज द TPR उसको हम एज ए एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका अल्फा वन ब्लॉकर हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अल्फा वन ब्लॉकर होने से इट डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मींस डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड देयरफॉर इट मे कॉज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर बाय टू वे। फर्स्ट इज द अल्फा वन ब्लॉकिंग एक्शन एंड सेकेंड इज द बीटा टू एक्टिवेशन। हम समझेंगे बाद में इसको। तो इस तरीके से बीपी कम होता है। लेकिन बीपी कम होने से बॉडी ऑटोमेटिकली हार्ट रेट को इंक्रीज करता है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम डिसीज़ के अगेंस्ट में ड्रग ले रहे हैं बीपी को कम करने के लिए। उसको लगता है कि बॉडी में अपने आप बीपी कम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में रिकवर करना है, इसलिए वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसको बोल सकते हैं हम रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। सो दिस इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द अल्फा ब्लॉकर इज द रिफ्लक्स टैकीकार्डिया एंड सेकेंड इज द पोस्टुलर हाइपोटेंशन। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट इज द वेसोमोटर रिवर्सिबल एक्शन ऑफ डेल। सो बेसिकली द डेल साइंटिस्ट अपने स्टडीज में देखा कि द अल्फा वन ब्लॉकिंग ड्रग कॉसेज द फॉल इन बीपी बाय एबोलिस द प्रेशर एक्शन ऑफ एंडलिन ऑन द अल्फा वन रिसेप्टर्स एज वेल एज डोमिनेंट एक्शन ऑन बीटा टू रिसेप्टर्स। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें हम इस सिस्टम देखें को, अगर हमने अल्फा वन ब्लॉकर यूज़ किया है मतलब हमने अल्फा को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर में ऑलरेडी एंडलिन है ही, तो एंडलिन कहीं ना कहीं अल्फा वन पे ब्लॉक नहीं होगा। उससे जो प्रेशर एक्शन है आपके अल्फा वन के थ्रू वो ब्लॉक हो रहा है, लेकिन एडनलिन होने की वजह से जो है वो आपका फर्दर बीटा वन और बीटा टू को एक्टिवेट कर सकता है। तो उसकी वजह से जो है आपका बीटा टू को एक्टिवेट होने से वैसोडायलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बीटा टू रिसेप्टर इज द GSPCR एंड मे कॉज द वैसोडायलेटरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। देयरफॉर इट मे डिक्रीज द ब्लड प्रेशर मार्कली। वो अधिक ब्लड प्रेशर को कम करता है, साथ साथ जो आपका बीटा वन एक्टिवेट होने से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, इसलिए आपका जो हार्ट रेट वो हाईली इंक्रीज होता है और जो ब्लड प्रेशर है वो मार्क्ड कम होता है। सो दिस फिनोमेना इज द डेल फिनोमेना और वेसोमोटर रिवर्सिबल एक्शन ऑफ डेल। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑन किडनी। सो बेसिकली इन द किडनी द मार्क्ड हाइपोटेंशन मे कॉसेस डिक्रीज इन द GFR एंड रिजल्टेड इन द एक्टिवेशन ऑफ RS सिस्टम एंड फर्दर सोडियम वाटर रिटेंशन बाय द एक्टिवेशन ऑफ RS सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आपका जो किडनी के अंदर में हाइपोटेंशन हो गया है, हमने अगर फॉर्म ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो हाइपरटेंशन होगा, उससे जो किडनी के अंदर में जो ब्लड प्रेशर रेट है वो भी कम होगा। ब्लड प्रेशर रेट कम होने से GFR कम होगा, उससे आपका JG सेल से रिनिन रिलीज होगा, उससे RS सिस्टम एक्टिवेट होगा और RS सिस्टम कहीं ना कहीं आपके सोडियम वाटर रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से वो आपका सोडियम बॉडी के अंदर में पेरिफेरल एडिमा प्रोड्यूस कर सकता है। एंड देयर इज अ साइड इफेक्ट, जो भी स्टार मार्क्स लगे हैं वो एक तरह के साइड इफेक्ट्स हैं और जो भी ग्रीन में हेज मार्क्स हैं वो एक तरीके से उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं दो तरीके से, एक तो आपका हाइपोटेंशन या हाइपोपरफ्यूजन करने से साथ साथ बीटा वन को एक्टिवेशन के थ्रू ही आपका RS सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका पेरिफेरल एडिमा हो सकता है बाय द किडनी। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स। तो फर्स्ट इज द आई। इन द आई इट में प्रोड्यूस म्योसिस इफेक्ट मीन्स पीपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे कि जानते हैं कि अल्फा वन रिसेप्टर्स में कॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रेटिनल सेल्स एंड में प्रोड्यूस पीपिल डायलेशन इफेक्ट। देयरफॉर अल्फा वन ब्लॉकिंग एक्शन प्रोड्यूस म्योसिस इफेक्ट इन द आई। एंड नेक्स्ट इज द नेजल। सो अल्फा वन जो है नेजल स्टिफनेस को कम करता है, मतलब जो नेजल डिकंजेशन इफेक्ट प्रोड करता है अल्फा वन एगोनिस्ट। देयरफॉर अल्फा वन एंटागोनिस्ट और अल्फा वन ब्लॉकर में कॉज द स्टिफनेस ऑन द नेजल। तो ये
एक तरीके से स्टिफनेस करता है नेजल के अंदर में, जो भी एक तरीके से एडीआर है या साइड इफेक्ट्स है ऑन द जीआईटी। तो इट इनहेंस द जीआईटी जीआई मोटिलिटी, देयरफॉर इट मे कॉज डायरिया एज ए साइड इफेक्ट। इन द ब्लडर टोन इट रिलैक्स द ब्लडर टोन एंड देयरफॉर इट इनहेंस द यूरिनेशन एंड नेक्स्ट एंड देयरफॉर इट मे यूजफुल इन द केस ऑफ प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड इट डिक्रीज द प्रोस्टेट रेजिस्टेंस टू यूरिनेशन। तो कहीं ना कहीं हम प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में, जिसको हम बोल सकते हैं बीपीएच या बीइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, उसके कंडीशन में हम एल्फा-1 ब्लॉकर के थ्रू उसको रिलैक्स कर सकते हैं और हम इजिली यूरिन कर सकते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में आगे। नाउ एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज द वास डिफरेंस, एंड इन द वास डिफरेंस इट मे कॉज डिक्रीज इन द इजाकुलेशन ऑफ सीमेन। तो आपका जो एल्फा-1 एगोनिस्ट है वो इन्हेंस द इजाकुलेशन ऑफ द सीमेन करता है विसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके आपके वास डिफरेंस को, बट इट डिक्रीज द सीमेन इजाकुलेशन इज द मेन साइड इफेक्ट और इफेक्ट। अगर हम को एज ए सेक्सुअल डिस्फंक्शन के में यूज़ करना है तो हम इसके थेरेपेटिक एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये आपका ऐसा साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है बाय द सेक्सुअल डिस्फंक्शन। नाउ कम टू द वेरियस एडियर्स ऑफ और वेरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्फा ब्लॉकर्स। सो फर्स्ट एडियर इज द रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, सेकंड इज द पेरिफेरल एडिमा, थर्ड इज द डिस्टर्बेंस इन फॉर विजन, एंड फोर्थ इज द पोस्टरल हाइपरटेंशन, नेक्स्ट इज द डायरिया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड नेजल स्टिफनेस। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ड्यू टू द मार्क्ड हाइपरटेंशन एंड पेरिफेरल एडिमा कॉज बाय द एक्टिवेशन ऑफ आरएस सिस्टम, डिस्टर्बेंस इज द फॉर विजन इज ड्यू टू द म्यूसिस इफेक्ट, एंड पोस्टरल हाइपरटेंशन इज मे कॉज बाय द हाइपरटेंशन इफेक्ट हाई डोज पे। तो कहीं ना कहीं पोस्टरल हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन ड्यू टू द चेंजिंग इन पोस्चर। अगर पोस्चर को चेंज करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर में बीपी कम होता है, उस चीज़ को हम पोस्टरल हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द डायरिया, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस केस पे, ये आपके सीमेन इजाकुलेशन को कम करता है, उससे आपका जाहिर सी बात है सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। और बात करें नेजल स्टिफनेस की तो भी हम बात कर चुके हैं। सो दिस आर द बेसिक साइड इफेक्ट्स और एडीआर ऑफ द एल्फा-1 ब्लॉकर्स। ठीक है, नाउ कम टू द क्लिनिकल यूज ऑफ एल्फा-1 ब्लॉकर्स। सो फर्स्ट इज द हाइपरटेंसिव एजेंसिस, मतलब एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक जोसिंस, लाइक प्राजोसिंस, टेराजोसिंस आर द मेन ड्रग विच आर यूज एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट इज द विंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, आपका जो यूरेथ्रा है ये एक तरीके से ब्लैडर है और एक तरीके से ये आपका प्रोस्टेट है। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड को बेसिकली हाइपरट्रॉफी होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो साइज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और उस वजह से जो है आपको यूरिन प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो अगर हम एल्फा-1 ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं लाइक बेसिकली एल्फुसजोसिन, सिल्डोसिन और टेम्सुलोसिन, तो दीज आर ड्रग मेनली डायलेट द यूरिनरी ब्लैडर। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो ट्राइजन मसल्स को रिलैक्स करेगा, उससे जो आपका हाइपरट्रॉफी होने के बावजूद भी ये मसल्स रिलैक्स होने से आपका ओपनिंग बढ़ जाएगा, उससे आप इजीली यूरिनेशन कर सकते हैं। देयरफॉर इट मे यूज्ड इन द बीपीएच मींस बीइंग हाइपरट्रॉफी, पोस्टेट हाइपरट्रॉफी। नाउ कम टू द सेकंड इज द फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज द मेगाली ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, तो एड्रेनल ग्लैंड कैंसर भी बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम जो एड्रेनल रिलीज है वो हाई हो जाता है, उससे जो एल्फा-1 एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए हम फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज कर सकते हैं एल्फा-1 ब्लॉकर को लाइक फेनोक्सिमेंजिन, फेंटोलामिन और प्राजोसिंस। नाउ कम टू द सेकेंडरी शॉक, तो हम सेकेंडरी शॉक में भी यूज कर सकते हैं दिस ड्रग को। और बात करें हम नेक्स्ट इज द माइग्रेन, तो हम माइग्रेन में बेसिकली एर्गोट्रेक्टोलाइट लाइक एर्गोटामिन और एर्गोटॉक्सिन को हम यूज़ कर करते हैं एंड इन द माइग्रेन हेडेक। लेकिन ये आपका जो एर्गोटॉक्सिन और एर्गोटामिन है वो एक तरीके से एल्फा-1 ब्लॉकर नहीं है, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ द एर्गोट्रेक्टोलाइट मीन्स डाईहाइड्रो एर्गोटामिन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन आर द एल्फा-1 ब्लॉकर, बट नेचुरल एर्गोटामिन और एर्गोटॉक्सिन आर द एल्फा-1 एगोनिस्ट। तो हम बेसिकली समझते हैं माइग्रेन में क्या होता है, तो बेसिकली सेरेब्रल वैसोडायलेशन में कॉज द माइग्रेन हेडेक। तो सेरेब्रल वैसोडायलेशन होने से माइग्रेन होता है, लेकिन जो एल्फा-1 ब्लॉकर हैं वो लेक्सेंट हैं, इसलिए हम कॉन्स्ट्रिक्टर यूज़ कर सकते हैं आपके माइग्रेन हेडेक को कम करने के लिए या उसके हेडेक के ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए आपका जो एर्गोटामिन और एर्गोटॉक्सिन आपका एल्फा-1 एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं और उसके थ्रू वो सेरेब्रल वैसोडायलेशन हुआ है उसको कम करते हैं, मतलब सेरेब्रो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं और उससे जो माइग्रेन हेडेक है वो ठीक होता है। लेकिन बात करें इसके इस ड्रग की, तो ये ड्रग जो है प्रिवेंट नहीं करता ये ड्रग कम करता है। अगर आपको ऑलरेडी माइग्रेन हेडेक होना शुरू हो गया है तब हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले
हम ऐसे ऐसे प्रोफाइलेक्टिक एक ड्रग दे नहीं सकते. सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ एकोटेलोइड. हम बात करेंगे डिटेल में आगे. नाउ कम टू द अल्फा टू ब्लॉकिंग एक्शन. सो बेसिकली विस्को कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज इन सोडियम सॉरी इंक्रीजिंग नॉन एडिनिलिस रिलीज एंड इंक्रीजिंग एड्रेनलिन रिलीज आर द मेन इफेक्ट ऑफ अल्फा टू ब्लॉकिंग एक्शन. तो क्योंकि आपका जो अल्फा टू है एक तरीके से वैसोडाइलेटर है, वो आपका सिंथेटिक आउटफ्लो को कम करता है इसलिए बढ़ाता है, इसलिए उसका उल्टा वैसो क्वेश्चन करता है और आपका इंसुलिन रिलीज को कम करता है अल्फा टू एगोनिस्ट. लेकिन ये आपका ब्लॉकिंग एक्शन है इसलिए इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है. सो दिस आर द मेन इफेक्ट ऑफ फेनोक्सिबेंजिन और अल्फा ब्लॉकर्स और नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स. नाउ कम टू द बेसिक फीचर्स ऑफ वेरियस ड्रग्स. सो फर्स्ट इज द फेनोक्सिबेंजिन. तो बेसिकली फेनोक्सिबेंजिन जो है एक तरीके से इरिवर्सिबल अल्फा वन ब्लॉकर है. मतलब इरिवर्सिबली मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अल्फा वन के से बाइंड होता है और परमानेंटली वो ब्लॉक ही रहता है और कंप्लीटली रिसेप्टर्स को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए वो इरिवर्सिबली है. और बेसिकली फेनोक्सिबेंजिन आर द इज द नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर मीन्स इट ब्लॉक द अल्फा वन प्लस अल्फा टू रिसेप्टर्स एंड एट हाई डोज इट आल्सो डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ 5-HT हिस्टामिन और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स. जैसे हम जानते हैं कि अल्फा वन एगोनिस्ट है, जैसे कि बात किए थे हम पहले क्लास में कि अल्फा वन एगोनिस्ट हैं. अल्फा वन एगोनिस्ट ड्रग जो है कहीं ना कहीं हाई डोज पे या वो कोलिनर्जिक सिस्टम को, डोपामिनर्जिक सिस्टम को, 5-HT को या फिर ग्लूटामेटर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाता है. इसलिए अल्फा वन एगोनिस्ट हाई अल्फा वन एंटागोनिस्ट हाई डोज पे इन सारे जो एक्टिविटी हैं अदर न्यूरॉन्स की, जिसको बोलते हैं हेट्रो न्यूरॉन सिस्टम. सो आपका 5-HT हो, हिस्टामिन हो या फिर कोलिनर्जिक हो, उसकी एक्टिविटी को भी हाई डोज पे ये कम करता है. एंड इज द इसको हम केवल आई वी रूट्स देते हैं 1 mg/kg डोज पे. इसको हम IM या SC से नहीं देते क्योंकि ये पेनफुल हो सकता है. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इरिवर्सिबल ब्लॉक द अल्फा वन रिसेप्टर जो बात कर चुके हैं. नेक्स्ट ड्रग इज द प्राजोसिन. सो बेसिकली प्राजोसिन ट्राजोसिन इज द सेलेक्टिव अल्फा वन रिसेप्टर एंड एट द हाई डोज और इन द थेरेप्यूटिक डोज इट आल्सो डिक्रीज द फास्फोडाइस्टरेस एंजाइम. फास्फोडाइस्टरेस एंजाइम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन ऑफ द साइक्लिक AMP एंड साइक्लिक AMP बेसिकली ए वैसोडाइलेटरी हैवे साइक्लिक एम पी हैज ए वैसोडाइलेटरी एक्शन. तो कहने की साइक्लिक AMP जो है वैसोडाइलेटरी एक्शन रखता है लेकिन फास्फोडाइस्टरेस उसको मेटाबोलाइट करके कम करता है. लेकिन आपका जो प्याजोसिन है फास्फोडाइस्टरेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, उससे साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उससे उसे डायलेटरी इफेक्ट और अच्छा मिलता है. सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ प्याजोसिन. नाउ कम टू द फेंटोलामिन. तो फेंटोलामिन एक तरीके से नॉन सेलेक्टिव है इसलिए आपका अल्फा वन अल्फा टू दोनों को ब्लॉक करता है. और बेसिक फीचर है आपका इट हैज़ ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, देयरफॉर इट मे यूज एज ए डायग्नोसिस पर्पस एंड इट आल्सो यूज इन द इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. तो फियोक्रोमोसाइटोमा के जो आप ऑपरेशन होते हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में फेंटोलामिन को. नाउ कम टू द इरगोटामिन. हम इस क्लास में इरगोटामिन और इरगोटॉक्सिन के बारे में भी बात करेंगे. तो स्टे ट्यून फॉर द सम टाइम. आई विल टॉक अबाउट द इरगोट एल्कलॉइड. नाउ कम टू द इरगोट एल्कलॉइड. सो बेसिकली इरगोट एल्कलॉइड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज द एमिनो एसिड एल्कलॉइड लाइक इरगोटामिन एंड इरगोटॉक्सिन एंड सेकेंड इज द एमिन एल्कलॉइड लाइक इरगोमेटिन. सो बेसिकली इरगोमेटिन हैज़ ए नो एनी अल्फा एक्टिविटी. मतलब ये अल्फा एक्टिविटी पे नहीं होता है, शो नहीं करता है. मतलब चाहे वो बात करें अल्फा वन एगोनिस्ट की या बात करें अल्फा वन एंटागोनिस्ट की, दोनों तरीके से ही काम नहीं करता. लेकिन बात करें हम अल्फा वन ब्लॉकिंग एक्टिविटी की, तो अल्फा वन ब्लॉकिंग एक्टिविटी की बात करें तो डाईहाइड्रोजनेटेड इरगोटामिन हैज़ हायर एक्टिव देन द डाईहाइड्रोजनेटेड इरगोटॉक्सिन. मीन्स जो डाईहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स हैं या हाइड्रोक्सी डेरिवेटेड हैं आपके इरगोटामिन या इरगोटॉक्सिन का, वही एक तरीके से अल्फा वन ब्लॉकिंग एक्टिविटी को शो करते हैं और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्टिविटी को बहुत ही कम शो करते हैं. अगेन बात करें हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन की, तो इरगोटॉक्सिन हैज ए हायर देन इरगोटामिन. और बात करें हम इन ड्रग की, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ड्रग की, इरगोटामिन या इरगोटॉक्सिन को एज ए एंटी माइग्रेन ड्रग के रूप में यूज करते हैं. और बात करें हम इन ड्रग की, मतलब डाईहाइड्रोजनेटेड ड्रग की बात करें, तो उसको हम ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं. अब बात करें हम स्पेसिफिक फीचर की, तो डाईहाइड्रोजनेटेड इरगोटामिन आल्सो यूज्ड इन द कॉग्निटिव एज ए कॉग्निटिव इन्हेंसर. तो कॉग्निटिव इन्हेंसर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स ये आपका जो लर्निंग एंड मेमोरी पावर है उसको इन्हेंस करता है. इसका मतलब हम एज ए एंटी एल्जाइमर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको डाईहाइड्रो इरगोटामिन को. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स और फार्माकोलॉजी ऑफ द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू.